तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम सीखना, बस इधर टॉपिक पर आते हैं। आपने देखा कि मैंने थंबनेल पर क्या लिखा था, थंबनेल पर लिखा था कि अब मिड रोल 8 मिनट की वीडियो में भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं रात को सो रहा था, सोते तो खैर सभी रात को ही है, लेकिन मैं जब सुबह उठा, अच्छा उठते भी सब सुबह ही है, खैर मैं जैसे ही उठा तो मैंने देखा कि मेरे को एक मेल आया। अब मेल आया तो मेल पर मैंने देखा कि यूट्यूब की तरफ से ये मेल आया और इस मेल में लिखा हुआ है कि हमने कुछ चेंजेस करे हैं अपने YouTube में और अपने वीडियोस के अंदर जो आप पहले यूज़ करते थे मोनेटाइजेशन के लिए 10 मिनट की वीडियो मिड रोल लगाने के लिए और उसमें मल्टी रोल लगाने के लिए, अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि YouTube के नए चेंजेस के बाद अब आप 8 मिनट की वीडियो में अपने मिड रोल को इन्वॉल्व कर सकते हो, यानी कि मिड रोल लगा सकते हो आप, मल्टीपल जो रोल होते थे आप उसके अंदर लगा सकते हो, जिससे आपकी अर्निंग बढ़ने का सोर्स अब बढ़ गया है। अच्छा, इसके साथ कुछ चीज़ें और भी बढ़ी हैं। अब और क्या बढ़ी हैं, वो ये कि आप एक वीडियो होती थी जिस वीडियो में आपने शुरू से लेकर एंड तक अपनी बातों को ही बयां करा लेकिन टॉपिक पर आप आए नहीं, हालांकि थंबनेल पर आप टॉपिक दिखा देते हो। इसका मतलब क्या होता था, आप कोशिश करते कि 10 मिनट कैसी पार हो जाएं और मैं उसमें मिड रोल लगाने की कोशिश कर दूंगा, हालांकि उस वीडियो का एक्चुअल रेट जो होता था वो 2 से 3 मिनट का होता था अगर आप टॉपिक पर छेड़ते तो, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते। एनीवे, उनके लिए तो ये गाइडलाइंस बहुत अच्छी वाली होने वाली है क्योंकि 8 मिनट मतलब 2 मिनट बहुत कम हुए हैं और 2 मिनट में इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। तो यही आप तक पहुंचाना था आज की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और आपके पास भी अगर ये मेल नहीं आया है तो जल्दी आ जाएगा, सबर रखें, लेकिन आपके पास ये सेटिंग अपडेट ज़रूर हो गई होगी। अगर आप 8 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आप वहाँ पर मिड रोल लगा सकते हो, जिससे अब आपकी अर्निंग पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी इंक्रीजमेंट पर भी इफेक्ट पड़ जाएगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो जाने की या 3 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो जाने की, 10 मिनट पर ही कंप्लीट नहीं होता था ना, आपको 11 मिनट तक करनी पड़ती थी, क्या पता नहीं हुआ, इसलिए तो आपके 2 से 3 मिनट बचे और 2 से 3 मिनट अगर आप कोई और टॉपिक पर दे दोगे तो वो भी आपके लिए एक परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। खैर, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इसी तरह के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतनी दोस्तों, जय हिंद।